राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देते हुए अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोरदार हमला बोला है। खुद पर लगे आरोपों को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, तो वहीं सरकार की उपलब्धियां भी जमकर गिनाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब दिया। इस दौरान पीएम मोदी ने सरकार की उपलब्धियां जमकर गिनाई। अडानी को लेकर खुद पर लगे आरोपों का परोक्ष रूप से जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में बयान देते हुए विपक्ष पर खूब हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी तो करोड़ों देशवासियों के परिवार का सदस्य है। 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद मेरे सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। झूठ और गालियों से सुरक्षा कवच को कभी भेद नहीं सकते। मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ। मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। जीवन खपा दिया है, पल पल खपा दिया है, देश के लोगों के लिए खपा दिया है, देश के उज्जवल भविष्य के लिए खपा दिया है। भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को पक्के घर मिले हैं, वो आपकी झूठी बातों पर कैसे भरोसा करेंगे। 9 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस का कनेक्शन मिला है, 11 करोड़ बहनों को इज्जत घर मिला है, वो आपके झूठ पर कैसे विश्वास करेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आयुष्मान भारत योजना से 2 करोड़ परिवारों की मदद पहुंची है। मुसीबत के समय मोदी काम आया है, तुम्हारी गालियों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। आपकी गालियां आपके आरोपों को कोटि-कोटि भारतीयों से होकर के गुजरना पड़ेगा, जिन्हें दशकों तक तुमने मुसीबतों के बीच छोड़ दिया। पीएम मोदी ने भारत जोड़ो यात्रा का भी परोक्ष रूप से जिक्र किया। पीएम ने कहा कि कुछ लोगों को तिरंगे से शांति बिगड़ने का खतरा लगता था, वक्त का मजा देखिए, अब वो भी तिरंगा यात्रा में शरीक हो गए। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं भी लाल चौक गया था, तिरंगा फहराया था। मैंने तब कहा था कि आतंकी कान खोल कर सुन लें, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सुरक्षा के आऊंगा, फैसला लाल चौक पर होगा। किसने अपनी माँ का दूध पिया है। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले, 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा, किसने अपनी माँ का दूध पिया। पीएम ने कहा कि निराशा में डूबे चंद लोग देश की प्रगति को स्वीकार नहीं कर पा रहे, उन्हें देश के लोगों की उपलब्धियां नहीं दिखती। ये देश के 140 करोड़ लोगों के प्रयासों का नतीजा है जिससे भारत का नाम हो रहा है, वे उन उपलब्धियों को नहीं देखते। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोग बिना सिर पैर के बातें करने के आदि हो चुके हैं, 2014 से लगातार कोस रहे हैं, भारत कमजोर हो रहा है, भारत की कोई नहीं सुन रहा, ना जाने क्या क्या कहा। आप कह रहे हैं कि भारत इतना मजबूत हो गया है कि दूसरे देशों को धमकाकर फैसले करवा रहा है। कांग्रेस पर शायराना अंदाज में हमला करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की बर्बादी पर हार्वर्ड और बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में स्टडी होगी। इस तरह के लोगों के लिए दुष्यंत कुमार ने कहा कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल है ये, फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। विपक्ष की एकता को ईडी का डर बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सेना पराक्रम दिखाती है तो सेना को गाली दो, अगर भ्रष्टाचार की जांच हो रही है तो जांच एजेंसी को गाली दो। पिछले 9 सालों में देखा है कि कुछ लोग कंपल्सिव क्रिटिक्स इसी में डूबे हैं। सदन में विपक्ष जांच एजेंसी को भला बुरा कह गया, जिसमें कई विपक्षी पार्टियां सुर से सुर मिला रही हैं। इन सभी को ईडी और सीबीआई को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसी के कारण ये एक मंच पर आए हैं। प्रधानमंत्री ने मोदी के भ्रष्टाचार को लेकर पुराने घोटालों की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। पीएम मोदी ने 2G कॉमनवेल्थ और कोयला घोटाले की याद दिलाते हुए कांग्रेस पर निशाने पर लिया। पीएम ने कहा कि पिछला दशक सबसे ज्यादा घोटालों का दशक रहा। पीएम ने आगे कहा कि देश में हर सोच में आशा ही आशा नजर आ रही है, एक विश्वास से भरा हुआ देश है, लेकिन यहाँ कुछ लोग ऐसे निराशा में डूबे हैं। इनके लिए काका हाथरसी ने कहा था, आगा पीछा देख कर क्यों होते गमगीन, जैसे जिसकी भावना वैसे दिखे सीन। पीएम मोदी के भाषण के दौरान सदन में कई बार हंगामा हुआ, विपक्ष ने वॉकआउट कर विरोध भी दर्ज कराया। करीब 1.5 घंटे के अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए राष्ट्रपति के अभिभाषण में विकास के एजेंडे पर फोकस करते रहे, तो वहीं पीएम भाषण के दौरान विपक्ष के लगाए गए आरोपों का भी भरपूर जवाब देते नजर आए। जाहिर है लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर हुई धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ विरोधियों पर हमला बोला, बल्कि सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कई अहम बातों का जिक्र किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परोक्ष रूप से
अडानी को लेकर लगे आरोपों का जवाब भरपूर तरीके से देते नजर आए।